तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 2023 की लेटेस्ट मॉडल होंडा की साइन 100 सीरीज। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इसका करके दिखाने वाले हैं माइलेज टेस्ट। तो आप लोग, अगर आप लोग होंडा साइन 100 सीसी को लेने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये जो बाइक है ना, आपको कितना माइलेज देती है। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसके एग्जॉस्ट को, मतलब इसके इंजन को। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो बाइक है ना, बिल्कुल विदाउट पेट्रोल है अभी जो बाइक है ना। कितना भी आप सेल्फ मार लीजिए, स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, अभी जो बाइक है ना, आपको 13 किलोमीटर चली हुई है। अब इसमें हम डालते हैं पेट्रोल लगभग के कहते हैं 250 ml, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 250 ml का आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसमें हम डालते हैं 250 ml पेट्रोल, उसके बाद हम चलाते हैं इस बाइक को, उसके बाद देखते हैं कि जो बाइक है ना, आपको कितना माइलेज देती है। तो इसमें हम टोटल 250 ml पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद हम इस बाइक को चलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही कहते हैं आराम से इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल जो होता है ना, एक तो उड़ता है, प्लस कहते हैं साइड से गिर सकती है यहाँ पे। तो अब मैंने इसमें प्रॉपर कहते हैं 250 ml पेट्रोल डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रॉपरली मैंने इसको खाली कर दिया है। 250 ml इसमें पेट्रोल एग्जैक्ट पड़ चुका है। अब इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने इसमें 250 ml पेट्रोल फिल कर दिया है फ्यूल टैंक पे, और यहाँ पे देखेंगे 13 किलोमीटर अभी बाइक चली है। अब इसको हम चलाते हैं बाइक को, और देखते हैं कि कितना माइलेज देती है 250 ml में। जब पेट्रोल जब है ना, गाड़ी जब बंद हो जाएगी प्रॉपर, तब इसमें हम रिफ्यूल कराएंगे फिर से, और प्रॉपरली हम 40-50 की स्पीड में ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें हम 80-90 की स्पीड में चलेंगे, हम प्रॉपर क्या कहते हैं 40-50 की स्पीड में चलाएंगे इसे। ऊपर भी चढ़ जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं बाइक को ना, हम प्रॉपरली अभी 40-50-60 की स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि जो 100 सीसी की बाइक की होती है वो नॉर्मल स्पीड से राइड करने के लिए बनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप इससे मतलब 80-90 राइड करिए और आप इससे मतलब ये मतलब उम्मीद करिए कि इसमें आपको क्या कहते हैं 90 का माइलेज, 80 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से दे। तो गाइस, अगर आप इसे इको मूड में राइड करते हैं ना, तो ये बाइक आपको अच्छी माइलेज दे देगी, और साथ ही साथ आपको अच्छा कंफर्ट भी फील कराने वाला है इस बाइक में। तो आपको कंफर्ट जो मिलेगा ना, वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। अभी जो बाइक है ना, मैंने लगभग 3 किलोमीटर चला दिया है, मतलब 13 किलोमीटर मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑडोमीटर में 13 किलोमीटर शो हो रहा था। अभी जो बाइक है ना, 15.7 चल चुकी है। तो अप्रॉक्स मैंने क्या कहते हैं, इसमें 2.5 किलोमीटर चला दिया है, अभी तक बाइक प्रॉपरली अच्छे से चल रही है।
मतलब आप पता है, एक बात आपको और चीज़ बता दें कि लोग बोलते हैं ना कि बाइकें माइलेज नहीं देती, तो आपको एक बात और बता दें कि अगर आप मीटर कंसोल में देखेंगे ना, किसी भी मीटर कंसोल में, वहाँ पे आपको एक ऐसा मतलब एक्यूरेट चीज़ें, मतलब एक जैसे कि मतलब 30 से 50 के बीच में अगर आप चलते हैं, यहाँ पे आपको इको मोड लिखा हुआ मिलता है। तो अगर आप इस बाइक को ना इको मोड में राइड करते हैं तो ये बाइक आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, यही बाइक नहीं, अगर आप इको मोड में किसी भी बाइक को राइड करते हैं तो वो सारी बाइकें ना आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को दे देती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हाई आरपीएम पे, कम गियर पे आप लोग बाइक को राइड करते हैं तो वो आपको जो है ना माइलेज कम देगी। आप लोग नोट करके रख लीजिए कि कितनी अच्छी से अच्छी आप लोग बाइक ले लीजिए। लेकिन अगर आप इसे क्या कहते हैं हाई आरपीएम पे बाइक को चलाते हैं और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको माइलेज अच्छा दे, तो आपको बिल्कुल अच्छा माइलेज नहीं मिलने वाला, आप लोग क्लियर हो जाइएगा। और बगल में मेरे साइड में चलिए, यहाँ पे आपको प्लेटिना 110 और पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीछे चल रही स्प्लेंडर प्लस। तो तीनों बाइक हम साथ में लेके चल रहे हैं। और आपको बता, अगर आप चाहते हैं कि तीनों का माइलेज टेस्ट एक साथ किया जाए कि कौन सी बाइक कब बंद होती है, कितना मतलब क्या कहते हैं चलती है, कितना माइलेज देती है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो पे अगर क्या कहते हैं 1000 लाइक आ जाते हैं तो तीनों का जो है ना ट्रिपल माइलेज टेस्ट करके हम आपको दिखाएंगे, साइन 100, स्प्लेंडर प्लस, प्लेटिना 100 या फिर प्लेटिना 110 का, तीनों का एक साथ हम माइलेज टेस्ट करके दिखाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K के जितने लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं ना आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग को और सारी वीडियो देखना है साइन 100 से कंपटीशन वाला तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, ये बाइक जो है ना, आपको बता दें कि 99.98 सीसी का इसमें आपको सिंगल सिलेंडर SI VS6 फेज 2 इंजन लगाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको E20 की बैचिंग मिल जाती है, क्योंकि जो बाइकें हैं ना 1 अप्रैल से सभी बाइकों में आपको फ्लेक्सुअल टेक्नोलॉजी मिलता है, तो इसमें भी आपको फ्लेक्सुअल टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। तो जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है ना आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि आपको 9 लीटर की मिलती है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक लगता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फ्यूल टैंक में कितना भी ऐसे कर लेना, ऐसे करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा अजीब फील होता है, क्योंकि मेरी आदत है फ्यूल टैंक पे जो ना पैर जो है ना दोनों थाई जो है ना साथ में चिपका के बैठने का, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा गैप रखा गया है। क्योंकि इसका जो सीट है, इसका जो फ्यूल टैंक है ना, सेम मतलब क्या कहते हैं सेम चौड़ाई में मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमको इसका ड्रॉबैक लगा। लेकिन हाँ, फ्रंट से अगर आप देखेंगे, डैशबोर्ड इसका देखते हैं तो डैशबोर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली, वही सेम आपको पहले वाला आपको डैशबोर्ड मिलता है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। तो गाइज, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जो ओडोमीटर में शो कर रहा है ना, अप्रॉक्स के कहते हैं 27 किलोमीटर मैंने इस बाइक को राइड कर दिया है। तो जब मैंने इसे चलाना शुरू किया था तो इसमें ओडोमीटर में 13 किलोमीटर शो कर रही थी, अब मैंने इसके 27 चला लिया है तो लगभग मैंने इसे 15 किलोमीटर राइड कर लिया है। ठीक है, 15 किलोमीटर मैंने इसे लगभग अप्रॉक्स राइड कर लिया है, 15 से 14 किलोमीटर। अब देखते हैं अभी जो है ना बाइक प्रॉपरली अच्छे से चल रही है, देखते हैं कि अभी भी इसमें मतलब कितना ये बाइक जो है ना इस 250 ml पेट्रोल में चल सकती है। और सामने देख सकते हैं एक्सटेक जा रही है स्प्लेंडर प्लस की। अब यहाँ पे मुझे हल्का सा झटका महसूस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइक मेरे बंद हो गए, अभी भी बाइक जो है ना प्रॉपर चल रही है, हल्का सा झटका फील हुआ है इसमें अब मेरे को। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है ना एक्सीलेटर धीरे धीरे मतलब हल्का सा कम होना शुरू हो गया है, मैंने इसे चला लिया है 30, 45, 60, 15 किलोमीटर इसे चला लिया, अभी देखते हैं अभी और कितना चल जाती है बाइक। अब ये हल्का मतलब लगभग 29 किलोमीटर राइड करने के बाद हल्का फुल्का इसमें मतलब फील हो रहा है। ठीक है, जब मैंने इसे राइड करना शुरू किया था तो मैंने 13 किलोमीटर इसमें मतलब 13 किलोमीटर ओडोमीटर में दिख रहा था। ठीक है, अब देख रहे हैं अब ये हल्का झटका देना शुरू कर दिए।
अभी भी देखते हैं कि ये कितना जाती है। देख रहे हैं 30 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये हल्का हल्का मतलब झटका देना शुरू किया है और मैंने इसको इको मोड में ही राइड किया, मतलब 50-45 की स्पीड में ही राइड किया। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो चलाया है, बहुत ज़्यादा रफ चलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसे प्रॉपरली कहते हैं जैसे नॉर्मल लोग चलाते हैं ना, नॉर्मल सिटी में अगर आप लोग राइड करते हैं तो उसी स्पीड से मैंने इसे राइड किया है। ठीक है, अभी भी देखते हैं मतलब अभी 30 किलोमीटर अभी भी बाइक प्रॉपरली चल रही है, देखते हैं मतलब कितना देर तक ये चल जाती है, कब जाके इसका जो बाइक है ना ऑटोमेटिक अपने आप बंद होती है। लेकिन हाँ, झटके देना तो शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, जाहिर सी बात है बाबा, क्योंकि ये FI सिस्टम वाली बाइक है और अगर पेट्रोल कम होगा तो झटके तो देगी ही ना। देख सकते हैं झटका शुरू हो गया इसमें हल्का हल्का देना, और अभी बाइक जो है ना 30.8 मतलब लगभग 31 किलोमीटर चल चुकी है। 31 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद देखते हैं कि इसमें अभी ये बाइक कितनी चलने की कैपेसिटी रखती है। ये 31 किलोमीटर चली है ये, प्लस मैंने कितने 13 किलोमीटर पहले चलाया था। अब यहाँ पे झटके कुछ ज़्यादा ही दे रही है ये बाइक। तो गाइस फाइनली ये जो बाइक है ना प्रॉपर बंद हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए पहले जो ओडोमीटर शो कर रहा था वो शो कर रहा था 13 किलोमीटर, अब यहाँ पे देखेंगे तो 34 किलोमीटर का ओडोमीटर शो कर रहा है। और अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, तो बाइक आप देख रहे हैं ना, अब जो बाइक है ना वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि आपको कितना माइलेज देती है। तो आपको बता दें कि इस पहले इसमें था क्या कहते हैं 34 - 13, ठीक है 21 किलोमीटर मैंने इस बाइक को राइड किया है। ठीक है 21 × 4 तो लगभग ये कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 84 का माइलेज, मतलब सीरियसली 84 का माइलेज आपको ये बाइक दे रही है होंडा साइन 100cc। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 84 का माइलेज आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए 34 अभी चली हुई है, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि 13 किलोमीटर बाइक चली हुई थी। तो अब इसको हम करते हैं रिफ्यूल, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करने, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों आज के जीवन बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान की हेलमेट यूज करते रहिए। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।